We are here at the Sharjah International Book Fair 2019, attending a session of Sampuran Singh Kalra, popularly known as Gulzar. Gulzar is a man of many talents, and his contribution to the Indian film industry has been extremely significant. Gulzar is a lyricist, poet, and a movie director. Gulzar Saab created a fun and entertaining session. He also recited his poetry for the audience. कहाँ करता हूँ मैं माइक पे हाथ रख के कहता हूँ कि सच बोलूँगा और सच के अलावा और कुछ नहीं बोलूँगा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि हौसला बढ़ा किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों अब मुलाकातें नहीं होती He also told us about his personal experiences of how people viewed him as a writer back in the day. बीवियां पूछ लिया करती थी कि आप क्या काम करते हैं उसके नहीं मैं राइटर हूँ लिखता हूँ नहीं वो तो ठीक है अच्छी बात है काम क्या करते हैं आप तो ये बड़ा आम सवाल हुआ करता था क्योंकि मालूम था कि राइटिंग से आप जी नहीं पाते आज उस जगह पर हैं कि यंग राइटर्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो कई तरह से अपनी राइटिंग का फायदा उठाते हैं और नहीं मिल सकते आज मीडियम से पढ़ गए हैं वी आल्सो हैड द प्रिविलेज टू इंटरव्यू गुलजार साहब 55 इयर्स इंडस्ट्री में काम किए और आपने काम कर रहे हैं और आपने म्यूजिक इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा है चेंज होते हुए देखा है तो आपकी क्या राय है आपकी क्या राय है प्रेजेंट म्यूजिक के बारे में जो अभी म्यूजिक जैसी चल रही है आज का म्यूजिक अपने वक्त का साथ दे रहा है जी हाँ जो आज म्यूजिक हमेशा फॉलो करेगा अपने समय फाइन आर्ट्स कोई भी होंगे दे विल ऑलवेज वो हमेशा जितने फाइन आर्ट्स हैं वो अपने दौर को अपने वक्त को दर्ज करता रहता है तो इसलिए ख्याल रखिए कि कोई भी शख्स इससे बच नहीं सकता जो गुनहगार है वो आज नहीं तो कल इतिहास में या तवारीख में पकड़ा जाएगा हमारे यंग जो राइटर्स हैं उनके उनके लिए कोई एडवाइस कोई आप कुछ कह सकते हैं उनके लिए जो आपको फॉलो करते हैं जो सोचते हैं कि वो लिख सकते हैं तो उनके लिए आपकी उनके लिए कोई एडवाइस किसी को फॉलो मत करो किसी की पैरवी मत करो खुद को पहचानो और वही लिखो जो महसूस करते हो दूसरे से पूछ के नहीं लिखा जाता कभी भी अपने आप को पहचानना और खुद को जानना वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वही सच है वरना पढ़ा लिखा जो पहले पढ़ते चले आए वरना वही आप दोहराते रहेंगे इसलिए अपने वक्त को और अपने आप को पहचानना बड़ा ज़रूरी है